गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम शेप ऑफ थिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ है, शेप का मतलब होता है आकार और थिंग्स का मतलब होता है चीज। इसका मतलब देखो क्या है, हम जो डेली लाइफ में देखते हैं हर एक चीज़ का एक डेफिनाइट शेप होता है। जैसे कि कोई ट्रेंगुलर शेप में रहता है, कोई स्पेरिकल शेप में रहता है, कोई स्क्वायर शेप में रहता है, कोई रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। तो हर एक चीज़ का परफेक्ट एक ठो शेप बनाया गया है, या हम उसको उसी शेप में देखना ही पसंद करते हैं। अगर उसका शेप बिगड़ गया हो तो हम उस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो इस चैप्टर में कौन सा चीज़ का शेप कैसा है ये पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, टोटली वीडियो स्किप नहीं करना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छी तरह देखना है और चैप्टर को समझना है। देखो, व्हाट इज ए सर्किल, व्हाट इज राउंड, ए क्वार्टर रोलिंग ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ है, देखो, व्हाट इज ए सर्किल, व्हाट इज ए राउंड, इसका मतलब एक सर्किल क्या है और एक राउंड क्या है, दोनों एक समान ही है। ए क्वार्टर रोलिंग ऑन द ग्राउंड, क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ को बोला जाता है क्वार्टर, जैसे कि वन डिवाइडेड बाय फोर्थ। ए व्हील इज ए सर्किल, सो इज द मून, ए बॉटल कैप और ए बिग बेलून। इसका मतलब क्या हुआ है, देखो, एक व्हील, व्हील का मतलब ये चक्का, एक चक्का भी स्पेरिकल शेप में होता है और हमारे चंदा मामा मून भी स्पेरिकल शेप में होता है। बोतल का कैप भी स्पेरिकल शेप में होता है और चाहे वो बड़ा सा बेलून वो भी हमारा स्पेरिकल शेप में रहता है। तो देखो, यहाँ पे मेनली बोला गया है कि चांद, व्हील, बोतल का कैप और बेलून, ये सब हमारा स्पेरिकल शेप में रहता है, जिसको कि हम सर्किल भी बोलते हैं। उसके बाद देखो, व्हाट इज स्क्वायर With sides the same, इसका मतलब क्या है, एक स्क्वायर क्या है जिसका चारों साइड सेम रहता है, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। द वुडन बोर्ड फॉर ए कैरम गेम, कैरम गेम का वुडन बोर्ड देखे हो, उसका चारों तरफ सेम रहता है कि नहीं। ए स्लाइस ऑफ चेस, चेस का जो पट्टी रहता है उसको स्लाइस ऑफ चेस बोला जाता है। एक मोबाइल का स्क्रीन, ए टेबल नैपकिन टू कीप यू क्लीन। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि मोबाइल का स्क्रीन हो गया, उसके बाद टेबल क्लॉथ जिसको हम साफ करते हैं वो भी स्क्वायर शेप में रहता है। उसके बाद देखो, उतना से उतना एडिट कर देना। व्हाट इज ए रेक्टेंगल स्ट्रेट ऑफ ऑल, इसका मतलब क्या हुआ है, रेक्टेंगल शेप तुम देखे हो, कहाँ पे रेक्टेंगल शेप होता है, क्या वो बड़ा होता है। द डोर डेट स्टैंड विथ इन योर वॉल, जो हमारा दीवार में जो दरवाजा लगता है वो भी हमारा रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। ए डॉलर बिल, देखो, हमारा जो नोट होता है, पैसे का नोट जो होता है वो भी हमारा रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। ए लॉट ऑफ ब्रेड, ब्रेड का जो लॉट होता है वो भी हमारा रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। द मैट्रेस लाइंग ऑन योर बेड, जो हमारा बेडशीट जो इसको कि हम हमारे बेड के ऊपर डालते हैं वो भी हमारा रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। उसके बाद देखो, अभी हम पढ़ेंगे ट्रेंगुलर शेप के बारे में। ट्रेंगुलर शेप में क्या बोला गया है, व्हाट इज ए ट्रेंगल विथ साइड ऑफ थ्री, जो तीनों साइड से लेके बना होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेंगल, जिसका कि तीन ठो साइड्स होता है और तीन ठो फेस, तीन ठो एजेस होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेंगल। ए पीस ऑफ पाई फॉर यू एंड मी, एक पीस ऑफ पाई, इसको हम पाई बोलते हैं, ये क्या है, ट्रेंगुलर शेप में रहता है। देखो, ये जो पाई है ट्रेंगुलर शेप में है। ए म्यूजिकल ट्रेंगल, डिंग डिंग डिंग, ये होता है एक म्यूजिकल ट्रेंगल, इसको हम यूज करके म्यूजिक के टाइम में इसको हम यूज करते हैं। ए स्लाइस ऑफ पिज्जा विथ एवरीथिंग, और एक देखो, पिज्जा का स्लाइस भी ट्रेंगुलर शेप में ही रहता है, उसके साथ साथ ट्रेंगल भी हमारा ट्रेंगुलर शेप में रहता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है ट्रेंगल। उसके बाद देखो, दीज आर द शेप्स सीन एवरीवेयर, ए ट्रेंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर। यहाँ पे बोला गया है कि हमको ये चारों शेप में ही हमको हर एक चीज मिल जाता है। कौन कौन सा है वो, ट्रेंगुलर शेप में मिलेगा, नहीं तो रेक्टेंगुलर, नहीं तो सर्किल, नहीं तो स्क्वायर, ये चारों शेप कॉमन है। ये चारों शेप में हर एक चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है।
इफ यू लुक क्लोजली व्हेयर यू हैव बीन यू विल सिंसियरली सी द शेप यू आर इन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि देखो अगर तुम क्लोजली कोई भी शेप को देखोगे ध्यान से तो तुम उस शेप के बारे में जान पाओगे और अपने आप में वो शेप को तुम क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चैप्टर में इतना ही है, वीडियो को अच्छे से देखो, अगर कहाँ पे डाउट्स है समझने में तो फिर मेरे से पूछ लेना, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर फिर करेंगे हम, ठीक है।